الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بس ثواب هذه السورة وهذا المجلس إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات واجعل الجنة مثواهم واحشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين تمام مؤمنين دے جملہ حاجات میرے اللہ پانچ بارہ چودہ دا صدقہ قبول فرما ماتمین चिट भेजी ने उन्हों की वालिदा तकलीफ नाल उन्हें कुसे अति कम इलाज लाता शाह साहबान के माल रिस्क खैर बरकत फरमा साढ़े मुल्कों इस्तेकाम और सालमीयत अता फरमा वारिस जमाना का जहूर पुरनूर मोफूर सुरूर फरमा रबना तकबल मिन्ना इन्ना कंत समी उल अलीम बेहक मुहम्मद वाल मासूमीन रबले आला मुहम्मद आल मुहम्मद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर नारे रिसाला अल्लाहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलावात قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری सलावात बर मुहम्मद वाले आबाद रहो शाद रहो सलामत बकरामत रहो पीर साहिबान दे शिद्दत नाल आकामात हैं जिन्हां दे पेशे नज़र में हाजिर हो के जनाब की ज़ियारत मुशरफ थींदा पिया सूरज दे एक तुलू तो लेके दूसरे तुलू तक 24 घंटे जेड़ा आई सुबह सूरज तुलू होए ना कल दे तुलू तक 24 घंटे गुजर गए से आवाज आ रही है सारे सूरज दे एक तुलू तो दूसरे तुलू दे दरमियान 24 घंटे होंगे इन्ना चु 12 घंटे रोशन होंगे बारह घंटे तारीख होंगे जेड़े रोशन होंगे 12 घंटे उन्हों का नाम दिन ने जेड़े तारीख होंगे उन्हों का नाम रात दिन ते हुकूमत सूरज दी है तुसा गौर नहीं फरमाया शायद इस वास्ते जो मैं मुतवजे नहीं किया तो गल शुरू कर दी है जेड़े 12 हिस्से रोशन हैं उन्हां दा नाम दिन ने दिन ते हुक्मरानी ताजवरी इकतदार तसल्लुत सुल्तानी
शाही ताजवरी फरमान रवाई सूरज दी है, रात ते हुकूमत चंद दी है। गौर है दिन नू सूरज रोशन कर दे, रात दी चांदनी चंद दी मरहूने एहसान मिन्नत। दिन और रात चों सब तो पहले अल्लाह ने दिन खल किता है। रात दिन दी तखलीक की सबकत दिन को हासिल है। पहले दिन खल्क हुए फिर रात खल्क हुई, चूंकि दिन दा तल्लुक सूरज नाल है, रात दा तल्लुक चंद नाल है। सूरज अगे चल दे चंद पीछे चल दे। गौर है सूरज दा चलना अगे दलील है, जो दिन पहले खल्क हुए रात बाद इस खल्क हुई है। चंद कोल जिहड़ी रोशनी है ये सूरज कोल लई हुई है। तुसां गौर नहीं फरमाया मैं क्या दा बैठा, वह सूरज की रोशनी चंद अपने कोल महफूज करके चांदनी की शक्ल च रात नू नुमाया करेंदे बिखरेंदे। क्या मतलब कि हमेशा सूरज अगे हो सी, चंद बिला फसल पिछे हो सी। इसे नू अल्लाह कुरान च फरमाए व शम से व जुहाहा वल कमर इजा तलाहा। अल्लाह दे कसम है मैं को सूरज दी ते उस दियां मुनव्वर किरणां दी ते बिला फसल ते ताली उंदे पिछे चलन वाले चंद दी। सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो। सूरज ते चंद दी गल आई, रोशनी ते चांदनी दा तस्किरा आई, ते समझदार लोग तुसां बड़े शौक जौक नाल वसूल करेंदे बैठे हुए। साहिल ने पूछे मासूम तू आका कोई इस दी मिसाल जमीन ते ही है जो हमेशा सूरज अगे चलता होवे चंद बिला फसल पीछे चलता होवे। फरमाया कै वेले मक्का और मदीना दियाँ गलियाँ च वन के नज़ारा कर लो, मुहम्मद अगे चल रहा उसी कमरे इमामत अली पीछे चल रहा। इो जे नारे ते कड़ा खूबसूरत मजलिस पढ़ी दी है। नहीं सलामत रहो सही नारे दी आवाज तू खतीब अंदाजा लैंदा है कि समईन च शौक जौक कितने सुनन दा और इन्हां दे दिल दिमाग अकल जमीर ते अली दी कितनी हुक्मरानी है। हुण देखा पता लगदा तुहाडे दिल जमीर दे तख्त ते कोई और हुकूमत करेंदा या शाह नजफ हुकूमत करेंदा। हथ बुलंद करके खत्मे कुरान नारा हैदरी। आबाद रहो शाद रहो। गौर फरमाया त्रै सौ सठ दिन होंगे साल का, पैंसठ दिन होंगे साल का, त्रै सौ पैंसठ। यकीन कराए तहकीक करें दे रवाए सारे दिन बराबर नहीं। तो नहीं गौर कर सारे दिन बराबर साल दे, हफ्ते दे सत नहीं बराबर नहीं। गौर नहीं फरमाया भाई जुम्मे को सैयदुल अयाम आखा गए,
ਬਈ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੁੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼ੀਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆਕਾ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੰਮਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੌਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੁੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਲਿਕ ਜੁੰਮਾ ਜੁੰਮਾ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੁੰਮਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਮੌਲਾ ਇਹ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁੰਮਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਮਾਨੇ ਮਜਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਲਮ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਕਾਇਨਾਤ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਅਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਈ ਉਹ ਇਹੋ ਵਾਰ ਹਾਈ ਹੈ ਸਹੀ। ਉੱਥਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਥਿਆ ਹਾਈ ਰੂਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਥਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁੰਮਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਜੁੰਮਾ ਹੋਵੇ ਜੁੰਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਲੀ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਨਸੀਬ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਚੰਗਾ ਨਾਰਾ ਮਤ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁਣਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਵੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਦਾ ਵੱਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੀ ਹੈ। ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਤਾਂ ਮੁਰੀਦ ਉਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੀਰ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਸਨ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੀ ਦਰੂਦ ਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਬੋਰਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਮੁਨਕਸ਼ਫਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਮੇਰੀ ਫਹਿਮ ਹੈ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਮੁਫਾਹਮਤ ਕਰੇ। ਫਿਕਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਵਾਫਕਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਖੀਰ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਵੱਜੋ ਰੱਖ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 18 ਜ਼ੁਲਹਜ ਗਦੀਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ 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 ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? 18 ਦੁਲਹੱਜਾ ਯੌਮੇ ਗਦੀਰ ਸਾਲ 'ਚ ਬੇਬਹਾ ਈਦਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੁਸਰਤਾਂ ਦੇ ਅਯਾਮ ਫਰਾਨਾਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਈਦਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 18 ਜ਼ੁਲਹਜ ਹੈ ਨਾ
ये सिर्फ ईद नहीं, ये ईदां वास्ते ईद है। ईद उल आयाद, ये ईदों की ईद है। शायद मैं समझा नहीं सकया, मेरे लफ्ज कमजोर हैं, मेरा बयान कमजोर है। ईद ते हर शय खुश होंदी है, ते 18 जुलहज्जा ओ दिन ने जेड़े दिन कायनात दी हर शय भी ईद मनेंदी है, ते बाकी ईदां ही ईद मनेंदियां ने। और मैं अर्ज करने वा तो आपको मूड ठीक है जनाब दे, सलामत रहो, आबाद रहो, शाद रहो। मैं अर्ज कर देवा, दिन ते हुकूमत सूरज दी, रात ते हुक्मरानी, बोलो यार। चल सूरज चौथे आसमान ते, चंद पहले थे। चंद का सफर थोड़ा सूरज का, चंद की रोशनी को पहुँचते थोड़ा टाइम लगता है सूरज की रोशनी को। गौर फरमाए भाई, इवें है या नहीं? सूरज दिन नू रोशन रखता है, रात चंद रात नू मुनवर रखता है। बड़ी खूबसूरत बात में जनाब की नज़र करना चाहिए, वसूल करने की हेत भी है हुज़ूर जी। मैं तो तुहाडे सारां दे अज़हान मुतवज्जे हो वञन। पुराने लोग तुहाडे कोल दुआई गिननी होंदी है, मौला थोक सलामत रखे। ये जिहड़ी नवीं नसल है, साडे बच्चे बैठे ने, नर्सरी है साडी, इन्हां तक वो बजुर्गों लई अमानत पहुँचाउणी होंदी। तो जानते हो सारे, तुहाडे सामने तो दोहरावना होंदा, बच्चों तक पहुँचावना होंदा, तुहाडे सामने दोहरावना होंदा। ऐसे ही बात में बड़ी मुनफरिद और खूबसूरत करना चाहना। शायद हो सकते पहले कभी किसी तनाजुर में कीती होवे किसी और। सूरज दिन नू रोशन कर, चन रात नू मुनवर कर दिए। सूरज की रोशनी ना होवे निजामे कायनात मुअत्तल हो जाए, चन चांदनी सटनी छोड़ देवे, न फसल पकिन न फलन च मिठास होवे। हाय 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 सुबह। गौर फरमाए इल्म दोस्तों, एक और बात जी तुहाडी नज़र में करना चाहना और मैं रुक वैंदा जो तुहाडे सारां दी तवज्जो होवे तो मैं अर्थ करूं। जितने साडे इबादात हैं, क्या इबादात, फुरूए दीन, कैसे फुरूए दीन, नमाज, बोलो यार, ये तो माँ की झोली ही सीखिया से, नमाज, रोज़ा, हज, अला हाजत तरतीब, और असूल दीन, तवज्जो। खुदा को मनना इबादत है ना, नबी को मनना इबादत, अल्लाह को आदिल मनना इबादत, क्यामत ते यकीन रखना, मौला अली दी इमामत दा इकरार करना, इवें है जी। गोया असूले दीन भी हिक तनाजुर च इबादत, फरूए दीन दा हिन इबादत। हर कहीं को पता है साईं बुजुर्गो सलामत। सूरज और चंद दा रोशनी ते चांदनी दे इलावा हिक बिया फायदे,
कि जितनिया असा इबादत करेंने हैं ना, इन्हां चों कुछ इबादत असा सूरज मुताबिक करते हैं। नहीं गौर फरमाया, नहीं गौर फरमाया, कुछ चंद मुताबिक करेंगे। इवें है या नहीं? ये जेड़ी रोजाना दी असा नमाज पढ़ते हैं, ये चंद मुताबिक ना ही पढ़ते, ये सूरज नाल पढ़ते हैं। सूरज चढ़सी सुबह दी नमाज मूड है ना, या मैं माजरत कर गई ना, इवें है या नहीं? या मौला तो सलामत रखे, साल साल तो बाद कितना हूँ तो बहु मुलाकात होमन लगे, तुसा मुहब्बत ज्यादा देवनी शुरू कर दी है। मौला तो सलामत रखे, मुहब्बत नाल ही तो रिश्ते होंगे सारा, इवें नहीं सही? मुहब्बत एक लम्हे वास्ते कायनात जो खत्म कर दो तो कायनात खत्म हो गए। मुहब्बत ही तो मेवर और मदार कायनात आला, इवें है या नहीं? नफरत तो मेरा ख्याल है इंसान क्या हैवानात ही पसंद नहीं करेंगे, नफरत तो पक्षी और परिंदे भी पसंद नहीं करेंगे। एक रियाड़े हैवाना नाल मूड वटाओ मील परे लंघ दें, इवें है या नहीं? ते खतरनाक तो खतरनाक दरिंदे जानवर कोई मुहब्बत दो, चौथे पंजे दिहाड़े थाकू देख के ते दुम हलैंदा खड़ा, तुसा गौर नहीं फरमाया मैं क्या था? इवें है या नहीं? तवज्जो रखा है, सुबह दी नमाज सूरज मुताबिक पढ़ते हैं, सूरज चढ़सी सुबह दी नमाज का टाइम, गौर फरमावना। फिर जेड़े ले ढलसी पेशी दी नमाज का टाइम, सूरज नाल है ना, फिर थोड़ा जिहा टाइम ज्यादा थी सी दीगर दी नमाज, ते जेड़े ले गरूब करे सी तो गौर नहीं फरमाया केड़ी नमाज, मगरिब दी। वो जेड़े ले पूरा अंधारा छावे कुफ्ता थी वैसे, क्या थी वैसी कुफ्ता, वत असा परसों केड़ी नमाज शाह, आओ आओ राह दे चा, आओ 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 सलामत रहो। मौला तुहाकू ढेर ते सेहतमंद जिंदगी देवे, ये वड़े तुहाडे पसंदीदा मकबूल मंजूर बहुत सही ममदू मनूत जाकिर लियाकत हुसैन आप समंदवाना, इन्हां दे गाँव का नाम है समंदवाना। गौर है मेरे बयान ते, लफ्ज पूरे पूरे बोले करो ना, कशे विच मिस ना कीती करो। मैं एक अगले दिहाड़े एक बंदा आके पिया सही हूँ घलू हुसैन पढ़ सन जड़े गौर हूँ को ना ही पता भाई इंदा ना सकला इन्हें घलू इंदी कौम है जड़े तवज्जो रखा है इल्म तो भाई लियाकत हुसैन इन्हों का इसमें गिरामी है और बड़ा खूबसूरत साढ़े पहले वजीर आजम का ना लियाकत हुसैन है जेडे कंपनी बाग दे विच कतल होए शहीद हो गए ते ओ हुण कंपनी बाग का नाम भूल गया ते लियाकत बाग मशहूर थी इंदा पुराना नाम कंपनी बाग आवे गौर है मेरे बयान ते या कोई वड्डे नवाब आवे हिंदुस्तान दे ए लेकिन पाकिस्तान दी मुहब्बत च हर शय छोड़ छाड़ के तशरीफ हैं सही लेकिन बेचारे कहीं वजह थो उस ज़्यादा टाइम मुक्तदर न रह संगे कराची का जिहड़ा एरिया लियाकताबाद है ये उन्होंने नाम की वजह तो रखा हूँ मैं पूरी मजलिस लियाकत न पढ़ा जा गाल सही मौला पंच तन पाक आबादो शाद रखे
वैसे ये सच्ची गल वे आखना नहीं चाहिए, मैं अगर चाहवा तो ये इवें पूरी मजलिस में थोक सुना सकता इसे। अच्छा बात रह न मने, साड़िया कुछ ही बातों का तल्लुक सूरज नाल, निजामे सूरज नाल तवज्जो रखा है, कुछ इबादतों का तल्लुक चंद ऐसा ही किवें। रमजान आसी मोहम्मद रमजान ना माह रमजान ऐसा ही सूरज दे दे ऐसा जी साई ऐसा ही दरख्तों दियाँ छत्तां ते चोटियां ते चढ़े खड़े बंदे, मकानां दियाँ छत्तां ते पहाड़ां दियाँ चोटियां ते, गौर फरमाए भाई दूरबीना लगियां हुई हैं, रोया ते हिलाल कमेटी बह गई है जी साई। जदी सैंसी आलात नाल दे दे पैं देखा चंद नज़र आई, चंद नज़र आसी पहला रोज़ा रख, सूरज का कोई जिक्र ही नहीं करें, नमाज पढ़नी हो सी सूरज, रमजान का चन हो सी चन, ईद शवाल हो सी बोलो, मुहर्रम दे चन उफुक ते नमूदार होमना हो सी चन। तुस गौर नहीं फरमाया मैं क्या क्या मतलब कि साढ़े कुछ इबादत मुताबिक सूरज, कुछ मुताबिक निजामे चंद, इवें है या मैं आपू बनाई बैठा, ठीक है ना बैठा। जड़िया इबादत निजामे सूरज नाल वो निजामे चंद नाल नहीं हो सकते, जड़िया चंद नाल वो सूरज चंद नाल, चंद वालिया सूरज नाल सूरज। जागते बैठे हो, पैगाम पहुंच गया सारा तक, समझ आ गई है। जुमला इबादत कुल्लो हम इबादत एक इबादत है, एक ईद की खुशी है, जेड़ी चंद नाल भी तुसा मना सकते वे सूरज के निजाम नाल ही मना सकते वे, और वो केड़ी है, वो गदीर दी खुशी है। किवें शाबाश, इन पौधे को पानी सही मिले, इन बाल नादे अली दियाँ लोरियाँ बहुत सुनिया होंगे, तवज्जो रखा है। जदां दियाँ ये लोरियाँ अली अली दियाँ घटियाँ ही ना, बंदे खराब थी मन लग गए, तो मैं मामा अपनिया बेटियां को हुक्म दे सा, जड़िया मामा ही वे तुसा अली दे नाम नाल बच्चा को मानूस करो, तुहाडी झोलिए सुते पए होवन तुसा नादे अली दी लोरी सुनाई करो, तवज्जो रखा है भाई। किवें किवें के ईद गदीर दी खुशी सूरज नाल ही मना सकदे वे, चन नाल ही मना सकदे वे, चन नाल मनेसो ता 18 ज़ुलहज, सूरज नाल मनेसो ता 21 मार्च यौमे नरोज। या रसूल अल्लाह अली अली या अली, कोई समझ आइए। मैं तो कुछ दसा, मैं अर्ज करें, ये जड़ा दिल हज का महीना है ना, ये है कमरी कैलेंडर का, केड़ा कमरी चन वाला कैलेंडर, इकों
ज्यादा तो ज्यादा 1400 साल थे तो गौर नहीं फरमाया। ये नबी करीम तो ही बाद चराए जो है कैलेंडर। मैं एक यकम मुहर्रम ते मजलिस पढ़ना कदें कदें ओके सट गुलाए उस पूरी दुनिया के मशहूर तकवीमा कैलेंडर जंतरिया की तारीख में दस है। कोई समझ आई वे मैं क्या दस। तो ये जड़ा जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है ना जिंदे विच मार्च है त्रीजा महीना, ये आज तो 2000 साल पहले रोम वाला राज किया है। तो जेड़े दिन गदीर दे मकाम ते नबी पाक हज तो वल्ले आते हैं तो 1.25 लाख हाजी हैं। एक कमरी कैलेंडर की तो 18 जिल हज आई उस दिहाड़े। ये रोमी कैलेंडर की भी तो कोई तारीख हो सी, जड़ी तारीख आई वो 21 मार्च आई। हुण समझ आई वे या कोई ना। ताकि अगर कोई बंदा चन मुताबिक ये ईद नहीं मना सकता तो ये जरूरी इतनी है जो अल्लाह आखे माफी कोई नहीं। ये रोमी कैलेंडर मुताबिक ही मनावनी पोसीगा। यह गल भाई लियाकत पिछू आखी है जो इस ईद बगैर निभदी नहीं है। मेरा ख्याल है हुण तो आपको छुट्टी दूं चा थक पे ही वे डाढ़े। ऐसे ही सब तो बड़ा दिन गदीर दे दे। खुशी दे हवाले नाल, सवाब दे हवाले नाल, ईद दे हवाले ते सब तो दुखी दिन, सब तो मसाइब नाल भरा होया दी। ये मेरे न तहकीक आते न मेरे लफ्ज़ ये मासूमीन अलैहिस्सलाम दे दस लगते वो यौमे आशूर दिन। मैं कोई लाइए देर तो मैं तबीयत दिठी है थोड़ी जी बदली हुई। मैं अशहबे बयान दी वाग बदल दीती है, मोड़ दीती है। मासूम फरमाने हैं ला यौमे का या अबा अब्दुल्ला। फरमाने ओ मेरा तस्सा दादा हुसैन, ए इन अखण ते जन्नत वाजिब होवे। जेड़ा बंदा हाय हुसैन च करेंदा है ना या हंज वहें दे चाह त्राए इमाम फरमाने उस ते जन्नत वाजिब। जाकिर मेयार दा नहीं होंदा तुहाडे दा कहीं बंदे दा या उंदा आवाज या बंदेश या लफ्ज़ या मजमून नहीं। इतना ही आखो चना हाय हुसैन ये तो वसे चे न सही। रोम नहीं आंदा, थकावट तो नहीं आंदा या कहीं वजह तो भी हाय हुसैन तो बंदा आख सकता। गम हुसैन ठड्डा सा तो भर सकते बंदा, जो ठड्डे साह तो कोई जोर ही नहीं लगता। मासूम फरमाइंदे जन्नत वाजिब। फरमाइंदे हुसैन तेरे दिन जैसा दिन न कोई पिछली तारीख मुश्किल आई न कोई आवन वाली तारीख। अल्लाह जाने इसे हिक्के दिन है हिकले हुसैन कितनी लाशें चाहिए। हाय हाय सुभान अल्लाह। मेरे कुछ मेहरबाना मुशफिकीन ने एक रिवायत दा आखे मैं कूं वो हर सूरत सुना। मेरे वत रोजान होंदन पढ़ाई दे, 2-2.5 महीने कोई चीज़ न पढ़ा उबईया चीज़ा इतनियां दिमाग जमा हो वेंदियां वो पहली दे कुछ खदो खाल त रह वेंदन वो तफसीलात ज़हन च महफूज नहीं रहा। कोशिश मैं करें ना मैं सारिया उन्हें यादा को वलाग इकट्ठा करके तुहाड़ी नज़र करना चाहना। वो रिवायत ये है तो ही वे मेरा वादा अगर मैं गिद्धा सही पढ़ वत याद को याद है
हमेशा जिथा लफ्ज याद आसन पलकां पुस जरूर हुए सन। और रिवायत ए है बेजमे आशूर जो हुसैन करबला शहीद होए ए हजारा मीलों का सफर हाई करबला तो नबी दे शहर मदीने दा रसूल दे शहर च हुसैन की शहादत की खबर केड़े ले पहुंची है। हाय 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 ओ मैं सदके थी ते कै पहुंचाइए इंदे विच मैकू त्रै रिवायत नजर आई मैक जेड़े ज्यादा मुताले वाले लोग हैं हो सकते उन्होंने को बइयां रिवायत भी दिखी हो मैं तारीख जो बहुत वसी है तारीख तो दिल तंग करना ही नहीं चाहिए। पहली रिवायत ये है कि इडू करबला आखिरी जरब चली है मदीने पा के छिक नबी करीम द हरम जिंदा है जो हुसैन मदीने छोड़ के आए हैं बीबी उम्मे सलमा वो फरमैनन ऐन उसे टाइम मैं को ऊंघ आइए नींद ना पूरी इमें हल्की जी ऊंघ आइए मेरी अख लगी है हल्की जी मैं उसे ऊंघ ख्वाब डिठे नींदरे डिठे मेरे वेड़े च मेरा सरदार मुहम्मद आया खड़े अमामा लथ होया जुल्फां गुबार अलूदन गर्द अलूदन रीश अतहर मेरे सरताज मुअज्जम दी हंजू नाल भरी हुई है यदि मैं आका दी हालत देख के तड़प के उठी पैरों ते डटी मैं पीओ मां कुर्बान कर देवां तुहाडे कदमां तू ये क्या हालत बनवाई है। पर मैंने उम्मे सलमा उठी मेरे को मुकान झाली सही मेरे को परचाई सही करबला मेरा हुसैन जरबा नाल मारे आए हाय 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 कुंद खंजर नाल खुंडे खंजर नाल मेरा हुसैन मारे आगे इस सैन में सलमा जो रुन्नी ना हाय हुसैन करके ये महल्ले बनू हाशिम ते पूरे महल्ला दिया मस्तूरात लोग कट्ठे थी गए बीबी क्या होए थको अचानक फरमाया ए इतना अरसा हो गया मेरे हुसैन कोई राग गया ते ए मैं हुने मेरी अख लगी मैं अपने आका को डिठे खा बैठ अमामा लथा हो यहाँ ते मैं को आखा ने मेरे हुसैन मारे अगे ते वत में फौरन कमरे च वन के मिट्टी डिठी है जड़ी हुसैन मैं को दे गया आई आओ मस्तूरात मैं थोड़ा को दिखावा हूँ वो मिट्टी मिट्टी नहीं रही खून च बदल गई एक रिवायत ये है भई इस तरीके नाल मदीने दे लोगों को शहादत हुसैन का इल्म होया पता लग कोई समझ आंदी पई है मेरे लफ्ज़ सदके दूजी मशहूर रिवायत ये है कि जेड़े ले काफला पाक शाम दी कैद गुजार के वल्ला मदीने फिर मदीने दे लोगों को इतला दो रिवायतां इन्हां दोहां दे दरमियान एक रिवायत ओ मैं सदके थी पवां ये इसे दे पढ़न दा मैं को हुक्म है भाई लियाकत हुसैन को तो बड़ा अबूर हासिल है ये अपने मुआशरे समाज दियाँ मिसालां नाल तमसीली मसाइब पढ़ते साडे वास्ते थोड़ा जिहा मैं विच ओ चीज़ ते अबूर नहीं है मेरे वत रिवायत आले पासे ज़्यादा जोर होंदा ना भाई जो रिवायत होई उहे लफ्ज़ तुहाडी नज़र कर दिते ओ मैं सदके थी पवां किथाई जुबान हाल भी असा इस्तेमाल कर गिनते हैं ताकि गाल दी समय इनको सही समझ आ वे
हुण वक्त नहीं, नहीं तो मैं दसा हाँ जुबान काल क्या है और जुबान हाल क्या है, बत कदें इंशाल्लाह। त्रीजी रिवायत ए है कि ए शहादत हुसैन दी पहली इतला मदीने कुछ कबूतरां पहुंचाई। शाबाश शायद यह वजह सी जो अज ही मजारे हुसैन ते ज्यादा कबूतर नजर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद इसे वजह तू ये परिंदा घर च रखना बायसे सवाब हो सी, चूंकि कुछ पक्षी हिंजन जिन्हों का रखना बायसे सवाब है, कुछ का रखना इस्लाम पसंद नहीं करेंदा, जिन्हां चू पसंद करें दे बदख दा रखने मौला अमीर दे घर हैं। ये उन्नी रमज़ान दे वाक्य पढ़ते हैं सारे उलमा जाकर। मुर्गी रखण दा भी सवाब है, इजाजत है, और ये कबूतर रखण दा भी। मैं कबूतर पालन दा आधा बैठा, कबूतर बाजी दा नहीं आधा बैठा। हाँ हाँ वो मैं सदके थी पवा। ये जड़े जिया ये जड़े कबूतर हैं ना, वो कह दें कासिद कबूतर, जैसी मैं गाल करेंदा पियाँ पैगाम रसान कबूतर। जैसे बइया डाकां दे निज़ाम रायज नहीं थे तो डाक दा निज़ाम कबूतरां दे जिम्मे होंदा। हुण मेरे कोल वक्त नहीं, इतना नहीं तो मैं तुहाको मजलिस पूरी इसे पक्षी ते सुनावा जो इनकी तखलीक किवें थई है ते कदां थई है ते कड़ी मिट्टी च थई है। वक्त नहीं मैं वो मैं सदके थी पवां। तारीख दिए ये जड़े कबूतर हैं ना, ये इमाम मजलूम दे घर मदीने रहंदे हैं। खुद हुसैन इन्हां को दाना पानी देंदे हैं। ते जेड़े ले 60 हिजरी 28 रजब अधरात ले हुसैन टुरे ना, हुसैन देखें ता ही कचावे दे कोने दे उत्ते ये कबूतर चढ़े बैठे हैं। ओ मैं सदके थी पोमा, मैं सदके। मौला फरमाया मैं को तो रहण कोई नहीं देंदा। हाय 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 ओहो हो मेरे कोलू तो घर छुड़वाया कि तुहाडे कोलू कहीं आलने छुड़ाए। कबूतर अपनी जुबान ने चाखा सारे कोल घर तक कहीं नहीं छुड़ाए। ते जेड़े शहर च हुसैन न होवे साकू वो चंगा लगदा। तारीखा दिए ए कबूतर हुसैन दे नाल टुर पए। कहीं ले कहीं कचावे ते बहना, कहीं वेले कहीं कचावे ते बहना, कहीं वेले हुसैन दे घोड़े दी कोच ते आ बहना। हन्ने ते सफर गुजरदा रहा ए परिंदे हुसैन दे नाल रहे। 4 महीने हुसैन दा क्याम मक्के रहा कबूतर नाल। 8 ज़िलहज हुसैन मक्के चुटुरे परिंदे नाल। 2 मुहर्रम करबला पहुँचे पक्षी नाल। रोज़ाना हुसैन इन्ना को दाना पानी देवे ना। ये सारा दी ख्यामे हुसैनी दे उत्तू उड़दे रहे ना, जिमें हाजी नहीं काबा दा तवाफ करे इवें ख्यामे सैनी दा तवाफ करे ना। ओ मैं सदके थी पवा। बड़ा औखा लफ्ज आ गया ही वे मुकानियो। हुण इतना मैं तुहाडे विच पढ़ चुका जो तुसा मेरे असलूबे ज़ाकरी तो मानूस हो चुके हो। तारीख दिए जेड़े ले 7 मुहर्रम को पानी बंद होए ना, कोई वड्डे रुन्नन वखरे खड़के हुसैन भेण डिठे हुसैन को रोंदा। वखरा क्यों खड़ा रोंदा? फरमाइंदे हुण तक तो कबूतरां दा दाना पानी मेरे जिम्मे है, पानी बंद हो गया। ओ मैं सदके थी पवा। सुचेंदा खड़ा फरमाया पक्षी हैं उन्हां को हुक्म दो बेशक परवाज करके पी जावे, जिथा पारा लगा होए उथा न पीवन, उड़ के कुछ फासले ते अगां लगे वंजन या पिछे। हुसैन आ खड़े कबूतरो पानी बंदे ता औलाद नबी यो अली दा। हाय 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 लफ्ज़ ही तो हों रोंदे।
ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੀ ਤੱਸੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੁਸੈਨ ਆਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਉੱਡ ਪੋਵੋ ਪਾਰੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਅੱਗਾਂ ਵੰਨ ਕੇ ਲਹਿ ਪਵਾਏ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪਿਵਾਏ। ਤਾਰੀਖ ਆਦੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰੇ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਖਿਆਮੇ ਹੁਸੈਨੀਆਂ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਖੈਮਾਂ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਣ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਸਹਾਰਾ 'ਚ ਵੰਜ ਲਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਹਿਕਮੇ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗਰਦਨ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਮ ਕੋ, ਮੈਂ ਤਸੇ ਵਾਲਾ ਮੌਲਾ ਆਖੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪੀਤਾ, ਮੌਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਲਾ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪਵਾਂ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਹਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰਿੰਦਾ ਹਿੱਕ ਬਾਈ ਕੋ ਆਖਾ ਬਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਅਸਗਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀ ਗੋਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਅਸਗਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸਗਰ ਦੇ ਝੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖੜ ਸੋ ਅਤੇ ਪਰ ਛਿੰਡਕੇ ਸੋ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਤਰਾ ਤਾਂ ਅਸਗਰ ਦੇ ਲੱਭਣ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਹੋਏ। ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਹ ਗਿੱਧਾ ਜੋ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਪਰ ਤਰ ਕਰਕੇ ਖਿਆਮੇ ਹੁਸੈਨੀ 'ਚ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਉਥਾਈ ਇਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਧੇ ਕਬੂਤਰ ਉਥਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਥਾਂ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਕੂਕ ਆਈ, ਅਸਗਰ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ, ਪਰਿੰਦੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ। ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਵੇ ਨਾ ਖਿਆਮੇ ਹੁਸੈਨੀ ਦੇ ਸੱਤ ਤਵਾਫ ਕਰਕੇ, ਬਤ ਲਹਿ ਪੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਪੋਵਾਂ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਤੱਕ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਤਿਆਰ ਥੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਰਿਵਾਇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂ ਚਾ ਭਾਈ ਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੱਡਾਮੀ ਦਾ ਡੀ ਥੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਏ, ਕਬੂਤਰ ਖਿਆਮੇ ਹੁਸੈਨੀਏ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਤ੍ਰੈ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤਸੇ ਰਹੇ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਜਦੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਰਹੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਿਆਮੇ 'ਚ, ਇਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਆਖਰੀ ਸਜਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰੀ ਜ਼ਰਬ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਭੇਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੀਏ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੂ ਰੁਣੀ ਹੈ ਅਦੀਏ ਪੱਖੀਓ, ਜਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ, ਤਸੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਸੰਤਰਾ ਦਿਹਾੜਨ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਣ ਤੁਹਾਕੂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਸੇ, ਤੁਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਵੇ ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰਾ ਚ ਰੋ ਰੋ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਗਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਵਧੀ ਬੈਠਾਂ, ਸੈਦ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਵਾਏ ਚਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੇਵਸੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਬੋਲੇਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਾਇਮ ਥੀਂਦਾ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਿਰਾ ਕੁੱਠੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਦਾਈ ਫਿਜ਼ਾ ਆ ਡਸ ਹੈ ਜੋ ਉਮਤ ਸੱਕ ਪਰਚਾਵਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸੈਦਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੈਮੇ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਠਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਸੜ ਵੱਟੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਖ ਹੈ ਸੜਨ ਵਾਲਾ,
मेरे बिच हिम्मत नहीं थी पहले आखन की, वह मैं सदके दी सारा नसीब हूँ तुस लगे वनो मेरा हुक्म छोड़ दो करबला मैं वक्त की जहरा पैया दी हाँ मैं अमीनतुल इमामत हुक्म पी दें हूँ छोड़ दो ये जा तारीख दी सैन ये लफ्ज आखें कबूतर उड़न इना आखरी तवाफ हुसैन देखियां दकीता है हाय 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 इना द ख्याम द तवाफ मुके जो फौज अश्किया परचामन वस्ते दरवाजा किया हाथ काश कायनात खत्म हो गई होती ए नौबत ना वेहा परिंदे यो मंजर देख के बर्दाश्त नहीं कर संगे कमरान बछड़ा हटा उन्हें चु कबूतर खियाम चु तो उड़न सीधे मकतले च आए बस भाई मैं मजलिस पढ़ गई थी जेड़ा मेरा हिस्सा है नसीब दा तुसा रो गिधा इतना बेअरो पोवो मुकम्मल थी वैसी मेरी नौकरी ड्यूटी सैन राजी थी मैं अजर तो उ दे सकते जाकिर शोदे दी क्या हैसियत है सारिया लाशा को डिठे परिंदा ये अब्बास दे हिस्से ये अकबर जख्मी सीने नाल सुते हुए ये कासिम दे सेरे राते तरदे पे ये असगर को त्रै नौका लतीर लगाओ हुसैन की लाश त्याल लथे पहले लाशे हुसैन का तवाफ किया नहीं हूँ परिंदा शहादत हुसैन का अपने आप को गवाह बनावना शुरू कर है शाबाश है शाबाश मेरे मजमून दे नाल टुरो हाँ भला किवें गवाह बनावना शुरू किया नहीं कहें परिंदे खूने हुसैन अपने परां ते लाए कहें अपना सीना रंगीन कीते खूने हुसैन नाल कहें कबूतर अपने सर ते खूने हुसैन लाए जो अचानक करबला सुरख अंधेरी चलीए ये मेरा बचपन है ये संथल ते रहंदे आसे गर्मियां को बहु आंधियां आंधियां हैं कोई आंधी आवे आ ना सुरख ते वे स्याही होवे हा सारे बुजुर्ग आदि बचड़े घर च लगे वनो ये अंधेरी दसेंदी है जोर आली जो किथाई कोई बेजुर्म मारे आगे पता नहीं तुहाड़े बचपन च ये वाकियात होए या नहीं होए मैं अपनी आप ही थी अज तक अंधेरी सुरख ते चढ़े ना आसमान ते पुराने लोग आदि वत किथाई कोई बेकसूर मारे आगे ऐसी अंधेरी तारीख है इंसानियत न पहले आई है न बाद आसी जड़ी हुसैन की शहादत के बाद आई है परिंदा अपने आप को शहादत हुसैन का गवाह बनाया ही आई इवें थोड़े जे उड़न हुसैन को आखिरी सलाम करके जो अंधेरी पहुंचिए इसे अंधेरी च कोई परिंदा कहें सम दो उड़े कोई कहें पासे दो उड़े कोई कहें रुख दो उड़े उन्हें चो एक कबूतर है जेड़ा भी कहें पासे नहीं गया बाकी कबूतर को आद है तुसा उड़ाई मनो जिना तुहाडा दिल आखे मैं हुसैन दे नाने दे शहर मदीने वेंदा बहु जीवो मैं मदीने वेंदा एक कबूतर उड़े ओ मैं सदके थी पोवा पेशिंदी गिर दा टाइम थी गया हजारा मीलां दा सफर है ए परिंदा हवा चुड़दांद ऐलान करेंदांद है अला कद कोते लल हुसैनो बेकर सदके सदके सुभान अल्लाह पखियो कैनात वालो तवाकु इतला होवे हुसैन बेजुर्म बेखता तस्सा करबला मारे जेड़े इलाके चु गुजरदे इलाके दे परिंदे बाग छोड़ दें दरख्त अशजार छोड़ दें
आके मुकान लेंदन मुकान जलेंदन कई कई वेले ई कबूतर दे परां चू खून दा कोई कतरा ढांद जिथों खून दा कतरा ढांदे हो जा अल्लाह को एडी पसंद आई उथा इमाम बारगाह बन गए। सदके 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 मैं बड़े सियाने लोगों चु मजलिस पढ़ना खड़ा ई वास्ते तज़ाकिर आले माधन शियो जदा मजले से चाय करो जुतियां बहरू लहाइया करो मजले से चाय करो अखी दे सर झुका के आए करो जो है तुसा सिर्फ आम झार नहीं आंदे पे ए उथां दे पे हो जिता हुसैन दे खून दा जर्रा दफा नहीं ये वजह जो हर मजले से जो हुसैन दी माँ परदे चा बांधी है। मैं आदा आसमान ढह पियो या जमीन खत्म हो गई सवाल करो सकलैन इत्थां ताए मंजर दसई मदीने दी केड़ी हालत है दहवीं दा डींगे दहवीं दे डीं ढलण तक अकबर दे हिस्से दी भेण विछोड़े दी मालिक जनाबे सुगरा सलामुल्लाह है सारा दी जिगर ते हथ रख के नाने दी मजार ते रोंदी रही है कह कह वेले आधी आई नाना जेड़े वेले दा दहवीं दा डीं चढ़े मेरा हां लह लह वाती में मजारे रसूल ते मत्था चलेंदी है आदि नाना जड़ी करबला दे पशु गरम हवा आंदी है मैं कोई से तत्ती हवा है सकीना भैन दे भैन सुनी दे शायद मैं समझा नहीं संगया शायद मैं समझा त्रिजा भैन करके आदि नाना मैं थाई बैठी हूं वहां मैं कोई आके इते ला दे वे अकबर दी भैन मुबारक होवी तेरे बाबे हुसैन तेरे अकबर की शादी की थी सारा दिन रोंदी रही है इडूडी ढल है मरी सैनी राधा की ते जो घर वाल वन्या देर है तू पहले रब दी कसम है परिंदे दे पहुंचन तो कुछ देर पहले जनाबे सुगरा मजारे रसूल छोड़ के हवेली है बनू हाशे में चाहिए दीवार नाल मत्था ला के करबला दो मुंह करके आदि अकबरा अल्लाह जाने क्या रावे जेड़े वेले दामी दी डले मेरे सर दवाल अखबार में को नजर कुछ नहीं आता भेन दई फाथी गई है इथा ही जो रोवना शुरू किया रोंदे 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 अली अकबर दी भेन को निंद्र आ गई कयामत आई मैं आदा आसमान डठा क्यों ना जमीन खत्म क्यों ना निंद्र आइए मगरब छाइए हल्का जी अंधेरा छाए कयामत दा मंजरा इडू अंधेरा था सुगरा सुते होए कयामत दा मंजरा उडू कबूतर दा सफर मुकै मदीने शहर चो कबूतर पहुंचाए जंदे परां ते हुसैन दा पा खून लगा सारा तू पहले नबी दी मजार दा तवाफ आ कीदा वद कबर रसूल ते मत्था ला के आदे अला या रसूल अल्लाह कद कोते लल हुसैन नबियां दा सरदार आमदन खैर दियो वी बचड़ा करबला मारिय रोमन नहीं आंदा पिया या तुहाडे मियार दी मैं जाकरी नहीं करेंदा खड़ा ओ मैं सदके थी उठी मुकाना झल लाड़ा बचड़ा हुसैन मारे मजारे रसूल हल गई ओ मैं सदके थी किस्मत मेरे हुसैन दी नबी को परचा के कबूतर हुन हवेली है तथीर दो उड़े ये हवेली है तथीर दी समझ नहीं आई महल्ला बनु हाशिम दो उड़े सवाल करो सकलाइन महल्ला बनी आशे में चाहे हवेली है तथीर है चाली घर आई पहले कहंदे कमरे ते गया है कहंदे घर नहीं गया सुगरा दे कमरे दे बनेरे ते वन बैठे जीवें जो अकबर दी भेण सुती हुई आई नींद्र दी हालत मेरी सैन को बाबे दी खुशबू महसूस हुई है अखी बाल किया दिए बाबा अकबर पर नाए सलामत रहो वाह भाई वाह वाह भाई वाह सलामत रहो सलामत थोड़ी जी आवाज़ बधाओ चारों मंडे
ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਥੀ ਭੂੰ ਬੀਬੀ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਰੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਕਰਬਲਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਕਬਰ ਕੋ ਸੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜੋ ਜਾਗੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਭੱਜਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਆਦੀ ਹੈ ਖਾ ਬਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹੀ ਡਿੱਠੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਡਾਂ ਹੀ ਦੇਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਹਲਕੇ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਡਿੱਠੇ ਜੋ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਨੇਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖੂਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਈ ਬਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਦੇ ਕਰਬਲਾ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੁਆ ਪਈਆਂ ਦੇਦੀਆਂ ਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁਰਕਾ ਪਿਆ ਚੁੰਦਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਅਕਬਰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਰਬਲਾ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੁਆ ਪਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਚਾਦਰ ਪਿਆ ਚੁੰਮਦਾ ਵੀ ਹਾਏ 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 ਅਕਬਰ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਰਬਲਾ 'ਚੋਂ ਆਏ ਕਰਬਲਾ 'ਚੋਂ ਹੁਸੈਨ ਭੇਜਈ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਭੇਜਿਆ ਤੜਪ ਕੇ ਆਦੀ ਲਹਿ ਬਾਦ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਕਬਰ ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਲਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਦੇਣਾ ਬੀਬੀ ਝੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦੀ ਵੱਤ ਮਿੱਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾਏ ਆ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਵਨ ਪਰਿੰਦਾ ਝੋਲੀਏ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬੀਬੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰਿੰਦਾ ਦੇ ਤੰਗ ਲਹਾ ਅਕਬਰ ਸੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਭੱਜਦੇ ਘੋੜੇ ਤੂੰ ਲਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਪਰਿੰਦਾ ਚਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਮੇ ਸਲਮਾ ਤੇ ਉਮੁਲ ਬਨੀਨ ਬੈਠੇ ਆਏ ਆਦੀ ਹੈ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾਓ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕਬਰ ਸੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ